और ये रहा अपना फ़ोन जो कि गया। आज से शायद मैं वीडियो ना बना पाऊँ। गाइस मेरा फ़ोन टूट गया। तो गाइस आज भी हम वहीं पर आए जहाँ कल आए थे, हमारा फ़ोन ठीक नहीं हुआ था इसलिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मेरे पास और दूसरा फ़ोन नहीं है इसके अलावा, और ये नहीं रहता तो मेरा क्या होता। मेरा तो रोने का मन करने लगा था। हाय दोस्तों, जय जोहार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। बट एक प्रॉब्लम आ गई गाइस, जिसको सॉल्व करने के लिए अभी मैं जा रही हूँ। मेरा जो फ़ोन है अचानक से पता नहीं क्या हो गया, ख़राब हो गया है और उसमें ना चार्ज ही नहीं हो रहा। सारे चार्जर में चार्ज करके देख ली बट हो नहीं रहा है, तो मैं अभी जा रही हूँ उसको ठीक कराने के लिए। और ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये मेरे भाई के फ़ोन से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरा जो बिगड़ा वाला फ़ोन है उसके पास है, तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाऊँगी। इधर तो बाइक लेकर आए ही नहीं वो, तो इधर आगे जाकर देखती हूँ इधर होगा। और मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। वैसे तो अच्छी लग रही होंगी आप लोगों को, तो मैं अच्छी लगती हूँ, वैसी भी हूँ, अच्छे हैं गाइस। भगवान ने जैसी शक्ल सूरत दी है नेचुरल है कि नहीं। तो अपना सोना भी आ गया, ये मुझे छोड़ने आ रहा है। मेरे पीछे पीछे जहाँ जाती वहीं चल जाता। ये देखो मैं इधर जा रही हूँ तो वो इधर ही आ रहा। मेरा भाई उधर बैठा है नदी के किनारे, क्योंकि हम इधर से जाएंगे ऐसे, तो वो उधर ही बैठा है कि उसके फ़ोन से मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करते करते दिमाग ख़राब हो जाएगा मैं गाइस मेरा इसलिए। सो गाइस ये रहा अपना फ़ोन जो कि एकदम स्वर्ग लोक में जाने वाला है किसी दिनों में। और ये मैं जो ब्लॉग शूट कर रही है मेरा भाई का है जो कि वो बाइक लेकर आ रहा है। अपना जेठालाल, जय जोहार बोलो जेठालाल। तो गाइस ये आ गई अपनी बाइक और ये रहा अपना फ़ोन जो कि गया। आज से शायद मैं वीडियो ना बना पाऊँ, देखते हैं कैसा क्या होता है, ठीक होता है कि नहीं होता मेरा फ़ोन। सो गाइस सभी पापा जी उतर गए हैं, तिजोरी है और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग। पता नहीं कितने टाइम आएंगे हम वापस। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर दुकान पे और फ़ोन भी दे दिए हैं बट अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, उसकी पिन डलना है बस। अब आगे का भैया बताएंगे चेक करके कि पिन डलेगा कि कुछ और काम उस पर, देखते हैं गाइस क्या काम है। तो और दुकान का तो नाम भी नहीं लिखा है बट ये दुकान है, यहाँ पर मैंने फ़ोन चुकाने के लिए दी है। अब हम 15-10 मिनट बोल रहे हैं, अब पता चलेगा। गाइस मेरा फ़ोन टूट गया। सो गाइस अभी हम वहाँ से आ चुके हैं और भैया ने अच्छे से फ़ोन ठीक करके तो दे दिए हैं बट पता चलेगा अब चार्ज करेंगे तब। और यहाँ जंगल में रुककर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बताना था। वैसे गाइस भैया ने तो अच्छे से ही ठीक करके दिए हैं बट कितने पैसे लगते हैं मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे 150 रुपये ले लिए। हर कोई मुझे उल्लू बना देता है, भगवान करे इस बार ना बनाए हो, फ़ोन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो गाइस आज भी हम वहीं पर आए जहाँ कल आए थे, हमारा फ़ोन ठीक नहीं हुआ था इसलिए। तो आज कराए तो हो चुका है बट अब घर जाकर पता चलेगा, अभी भी यहीं पर है। 2-3 दिन आए हुए थे हम, तो अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। एक और फ़ोन लेकर आए थे मामा जी का था बट पता चलेगा हुआ है कि उसको बोल रहे हैं छोटे चले जाओ बट उसको मामा जी को कॉल कर रही थी दूसरे मामले जो उनके साथ है तो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाए। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से और गाइस पता नहीं अभी वीडियो बना पाऊँगी नहीं, मैं घर पर ही जाकर वीडियो शूट करूँगी और सारा कुछ बताऊँगी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर, अभी जस्ट ही पहुँचे और बच्चे को खाना खाने पीने का सामान दी क्योंकि उसके लिए लेकर आई थी मैं कुरकुरे वगैरह। तो मेरा फ़ोन अभी ठीक हो चुका है,
और अभी उसी से शूट कर रही मैं भी। मुझे ना गाइस जब फ़ोन ठीक कर रहे थे भैया तो ऐसे दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मेरे पास और दूसरा फ़ोन नहीं है इसके अलावा, और ये नहीं रहता तो मेरा क्या होता। मेरा तो रोने का मन करने लगा था जब इसका स्पीकर बज नहीं रहा था, मतलब इसमें जो वॉल्यूम ना कुछ भी नहीं आ रहा था, ना जा रहा था, ना आ रहा था, ना रिकॉर्ड हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, ना बज रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मुझे बहुत डर लग गया था। और मैंने जो आज वीडियो जो अपलोड की थी गाइस वहाँ का नरोंडिया थाने का, मतलब वहाँ का सेलर डांस वाला, तो वो मैंने दिमाग लगा लगा के एडिट की थी। मतलब मेरे पास एक है स्पीकर है वहाँ पर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, और उसमें पहले का रिकॉर्ड जो था तो वो ठीक था, तो वो ठीक आवाज़ आ रहा था, तो उससे मैंने एडिट की वीडियो और फिर अपलोड की। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती ना गाइस तो मेरा तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो रो रो कर मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई थी मेरे फ़ोन को लेकर बहुत ही ज़्यादा। हमारे इधर अभी साउंड आ रहा होगा, तो अभी आया गणपति सिराने के लिए नदी, पर मैं नहीं जा सकती गाइस क्योंकि हमारे इधर कल सुबह से नाइट से लाइट है ही नहीं, तो फ़ोन चार्ज नहीं है मेरा, इसलिए नहीं जा सकती हूँ। बट कोई नहीं, अभी कल हम जाएंगे देखने के लिए। तो गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल में आएंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा जय जोहार। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना।